हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबको? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा था कि यहाँ बुआ जी पूरा कष्टी देते हुए हम लोग घाट तक जाते हैं। यहाँ पर सब अरग उरग पड़ने के बाद में हम लोग घर को लौटने को थे, तब तो मैंने ये ब्लॉग को एंड कर दिया था, ब्लॉग बहुत लंबा होने के चलते। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि कल के उस समय के बाद में क्या क्या हुआ, तो चलिए आके देखते हैं। ताला ही तोड़ देगा, काम मिलेगा इसमें। अब कहाँ गया होगा क्या पता है। किसका पॉकेट से गिरा? हम लोग घाट से निकल रहे थे, प्लान बना के चलो, एक और घाट था वो भी हम लोग दर्शन कर आते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं वो वाला घाट कैसा था। ये पूरा सब कोई अपना अपना जगह पे घर पे लौट रहे थे सब कोई, तो चलिए दिखाते हैं। इसी तरह से ये भी एक मूर्ति बना हुआ था यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लग रहा था, लग रहा पूरा एकदम अच्छा से बना हुआ था मूर्ति। और पूरा भीड़ भाड़ अभी भी यहाँ पर था, अभी बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ का घाट जो है देख रहे हैं, इसी तरह का घाट वो घाट भी था पहले, अभी ये बना हुआ नहीं है, इसी तरह मिट्टी का ही बना हुआ था। हेलो एवरीवन, कैसे आप? बस बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा था कि छठ घाट हम लोग गए थे, और वीडियो बहुत लंबा होने के चलते मैंने वो वहीं पर स्टॉप कर दिया था। तो आज ये कंटिन्यूएशन, अब ये छठ में घर आने के बाद हम लोग कोसी उसी भरते हैं, वही आप लोग को दिखाना था। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। पर कोसी भराएगा, ये उसका कश्ती रहता है ना, वही भरता है। यहाँ आंगन में कुर्सी भराता है, तो ये जो आप देख रहे हैं गमला जैसा, यहाँ पर कुर्सी भरने के लिए यही दिया जाता है, और चारों तरफ से दिया लगा हुआ रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है। छठ घाट से आने के बाद में बहुत कोई हर साल ही कुर्सी भरते हैं, और लेकिन कोई कोई है कि गश्ती से कुर्सी भरते हैं, कोई कोई शादी विवाह हुआ चाहे कुछ गच्छा हुआ हुआ तब वो लोग कुर्सी भरते हैं। तो यहाँ बुआ जी का भी मन्नत था कि ये उनका मन्नत जो है पूरा हो जाएगा, तो फिर वो कोसी भरेंगी। तो यहाँ बाबू के नाम से ये कोसी भरा जा रहा है। तो यहाँ पर पहले गमला को पूरा अच्छी तरीके से टीक ले रही हैं, और सारा गमला में ये सारा फल फूल जितना भी जो भी था सारा कुछ इसमें भर दिए हैं। फिर यहाँ पर हम लोग दिया जलाएंगे, फल वल वगैरह चढ़ा रही हैं, और अच्छा लगता है कोसी जब भरा जाता है। जैसे कि अगर मुझे क्लिपिंग मिल जाएगा मेरे यहाँ का, तो वो मैं आपको भी दिखाऊँगी कि हम लोग की तरफ भी कोसी बहुत अच्छी तरीके से भरा जाता है, चारों तरफ पूरा एकदम जगमग जगमग करता है दिया से। अगर मुझे क्लिपिंग मिल जाता है तो मैं इसके बाद उसको अटैच कर दूंगी। कोसी में मेन जो होता है वो ईक का वो होता है, यहाँ पर मिल के पूरा एकदम पूरा चौका के अगल बगल पूरा हम लोग ईक को खड़ा कर देते हैं,
उसके बाद दिया जलाते हैं, सारा फल फूल चढ़ाते हैं और अच्छा लगता है, बहुत ही सुहावना लगता है। सारा सूट चेंज होता है यहाँ पर, कॉलर ठीक हुआ, वही बुआ जी चेंज कर रही है ना, बुआ जी सब बदल रहे हैं ना, सबको बदल रहे हैं, नया सब सब फल देंगे, सब ठीक हुआ। जमुई का नाश्ता मिस कर रहा है।
पापड़ी एंड ऑल, यहाँ का भी अच्छा लग रहा है। खाओ, खा के बताओ कैसा है। इसको पापड़ी बहुत पसंद है, पापड़ी जम होता है। जैसा कि मैंने बोला कि मैं मेरे घर का भी एक बार दिखाना चाहूँगी। ये हम लोग का घर का है, मेरा मायका का। आज तक मैं वहाँ पर हूँ नहीं, किसी समय में अगर वहाँ पर गई तो आप लोग को तो पूरा ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो यहाँ मेरी मम्मी करती है डिक्चू में छठ। तो इसी तरह से पूरा एकदम अच्छा से ये जो कोसी जो भराता है, मेरी मम्मी हर साल ही भरती है। तो देख रहे हैं अलग अलग जगह का अलग अलग चीज़। कैसा लगा आपको मेरा ये छठ वाला ब्लॉग, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया, आगे और ब्लॉग्स आने बाकी हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।